बड़ी खबर का अतीक की हत्या के बाद खौफ में मुख्तार अंसारी। जी हां, मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 29 अप्रैल को पेशी होगी। बांदा जेल से गाजीपुर कोर्ट पहुंचने में मुख्तार अंसारी को डर लग रहा है। मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी आफशा अंसारी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। आफशा अंसारी की तलाश में यूपी पुलिस लगातार जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई अतीक अहमद की हत्या के बाद अब मुख्तार अंसारी को भी अब खौफ और डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी होनी है। बांदा जेल से गाजीपुर कोर्ट पहुंचने में मुख्तार अंसारी को अब डर लग रहा है। आपको इसी से बता दें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी भी फरार चल रही है और आफशा अंसारी पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। इसी बीच आपको बता दें कि आफशा अंसारी की तलाश में यूपी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब मुख्तार अंसारी के अंदर अब खौफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी हो रही है। बांदा जेल से गाजीपुर कोर्ट पहुंचने में मुख्तार अंसारी को अब डर लग रहा है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी पर भी 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है और इसी बीच आफशा अंसारी भी फरार चल रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु शुक्ला बांदा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। हिमांशु, अतीक की हत्या के बाद अब मुख्तार अंसारी के अंदर भी डर दिखाई दे रहा है, क्या ज्यादा अपडेट है? देखिए, देखा किस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार सुरक्षा के मायने नजर रखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से लगातार लगा हुआ है और मुख्तार अंसारी की जो फरार चल रहा है अफसाना अगला नंबर जो मुख्तार अंसारी का है उसको लोगों करके जो जीरो टॉलरेंस की नीत है उसके तहत ये पूरा मामला किया जा रहा है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे प्रशासन हर उस मामले को लेकर सतर्क है जिसको लेकर हर उस चीज का एक हिसाब होगा। हालांकि देखा जा रहा है कि प्रशासन पूरी रात से लगे रहे हैं और लगे रहने के साथ साथ जैसे मुख्तार अंसारी की जनपद बांदा के जेल पर बंद है उसको लेकर गाजीपुर पहुंचने के बाद वहां पर लगा 50,000 का जो इनाम था अवधारणा को लेकर उसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। तो देखा जा रहा है कि लगातार जिस प्रकार से अतीक अंसारी की पूरे मामले की छानबीन की जा रही थी और बीच में घटना हो जाने के बाद में मुख्तार अंसारी पर भी एक खौफ सा नजर आ रहा। बड़ी देखा जा रहा है कि किस प्रकार से बांदा जेल से गाजीपुर कोर्ट पहुंचने का मुख्तार अंसारी का जो डर लग रहा है उसको लेकर देखा जा रहा है किसी प्रकार की सुरक्षा में चूक ना हो जाए, ये एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला। हिमांशु, 29 अप्रैल को गाजीपुर कोर्ट में पेशी होने जा रही है, कौन कौन से मामले हैं जिनकी पेशी होने जा रही है गाजीपुर कोर्ट में? देखा जा रहा है जिस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है तो यहाँ से जो पेशी के ले जा रहा है जब 50,000 का जो मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफसाना है उसको लेकर तलाश जुड़ी हुई है और साफ तौर पर एमपी एमएलए कोर्ट पर जो सुनाया जाएगा फैसला। गाजीपुर की गेट पर 2005 का जो मामला था कृष्णा रंग राय का गैंगस्टर का मामला था उसको लेकर ये पूरी सुनवाई की जा रही है और एमपी एमएलए में जो कोर्ट का पूरा देखा जा रहा है दो दोषी साबित हुए थे, 2 साल की सजा भी हुई थी। तो इस प्रकार से प्रशासन जो पूरी तरीके से लगा हुआ है उसको साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कैसे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद दोनों पर ही इस चीज का डर जो था वो सामने नजर आया। अब मुख्तार अंसारी के प्रत्येक उन मामलों की सुनवाई की जा रही है जिसमें हर चीज की बात देखी जा रही है। प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त है, रात से पुलिस अधीक्षक ने पैदल अरेस्ट किया तो 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी का फैसला आना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।